तो गाइस सिम का पता है कैसा सीन था? सिम को मतलब सिम हटने वाला था गॉडलाइक से, बट मैं बोला यार चलो फिर भी तूने बोल दिया इसलिए चलो लगा। चलो 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 तो गाइस सिम का पता है कैसा सीन था? सिम को मतलब सिम हटने वाला था गॉडलाइक से, बट मैं बोला यार बार बार नए प्लेयर लाओ, चीज़ें चेंज करते रहो, ये करो वो करो, वापस से फैंस को नई उम्मीद नई चीज़ है। तो पंका और मेरा बात हुआ था, मैंने बोला ब्रो अपन नया प्लेयर नहीं ला रहे, या तो जिगाड़ को खिला या तो सिम को खिला। और उस टाइम पे ना सिम बहुत ग्राइंड कर रहा था, यूट्यूब पे भी फुल एक्टिव था, फुल ग्राइंड कर रहा था। इसी रूम में मीटिंग हुआ था हमारा, इसी रूम में। तो सिम भी लाइक यार मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये वो मैं कर लूँगा। तो मैंने बोला चलो दे देते टाइम, और सिम ने मेहनत करके कर दिखाया। कॉर्डन लेने का परफॉर्मेंस से खुश हो? हाँ यार ऐसा ऐसा नहीं कि हमेशा रिजल्ट आएंगे, बट ठीक है, खुश हूँ, मतलब ओवरऑल खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में अपने लौंडे फाड़ देंगे। और चिल करो लौंडो, अपना पूरा फोकस है अपने और के ग्रोथ के ऊपर और बाकी सारे चीज़ों के ऊपर। तो आने वाले टाइम में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट भी होगी एंड काफ़ी सारी चीज़ें होगी, ठीक है? तो लाइक ऐसा मत सोचो कि ये चल रहा है वो चल रहा है। और देखो ये जो बायो वगैरह से जो हटाते हैं फिर वापस से डाल देते हैं, वो यार वो चलता रहता है, वो स्पोर्ट्स में कुछ नया नहीं है, क्योंकि काफ़ी बहुत बार कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, तो चलता रहता है। तो चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट स्ट्रीम में। People start to shake, and do you feel the earthquake?